टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना काल में हो रहे इन खेलों के महाकुंभ में अक्सर एक नजारा कई बार देखने को मिला है। पोडियम पर खड़े होकर जब भी कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो वो अक्सर इन मेडल्स को मुस्कुराते हुए अपने दांतों से काटते हुए दिखाई देता है। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या ऐसा करने से एथलीट को उसकी जीत का स्वाद मिलता है, या फिर ये ओलंपिक का कोई नियम या कोई परंपरा है जिसे हर खिलाड़ी को पदक जीतने के बाद पूरा करना होता है? चलिए आपके सस्पेंस को हम खत्म कर देते हैं, आपको समझाते हैं कि आखिर खिलाड़ी मेडल को दांतों तले क्यों दबाते हैं। दरअसल दांतों से मेडल को काटने की परंपरा एथेंस ओलंपिक से शुरू हुई थी, लेकिन साल 1912 के स्कॉटम ओलंपिक्स के बाद ये परंपरा बंद हो गई थी। स्कॉटम ओलंपिक्स में ही खिलाड़ियों को आखिरी बार शुद्ध सोने के मेडल दिए गए थे। खिलाड़ी अपने मुंह में ओलंपिक पदक क्यों दबाते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। दरअसल मेडल जीतने के बाद एथलीट्स फोटोग्राफर्स की रिक्वेस्ट पर ऐसा करते हैं और अपने पोज को यादगार बनाने के लिए वो इसे दांतों से काटते हैं। इसके अलावा सोने को दांतों से काटने की एक ऐतिहासिक परंपरा भी है, क्योंकि सोना मुलायम धातु होता है और ऐसे में इसे काटकर इसकी शुद्धता का परीक्षण किया जाता है। यही कारण है कि लोग सोने को दांतों से काटने के साथ ही पता लगाते हैं कि सोना असली है या फिर ये गोल्ड प्लेटेड चढ़ाई गई। अगर सोना असली होता है तो फिर इस पर निशान पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक खिलाड़ियों के गोल्ड मेडल पर किसी तरह का कोई निशान काटने के बाद नहीं पड़ता है। इसका भी एक कारण है कि ओलंपिक के गोल्ड मेडल में सोने की मात्रा काफी कम होती है। हम आपको बता दें कि साल 2016 के रियो ओलंपिक्स में महज 1% से कुछ अधिक सोने का इस्तेमाल गोल्ड मेडल में किया गया था, और इसके अलावा इन गोल्ड मेडल्स में 93% सिल्वर और 6% कांस्य का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब टोक्यो ओलंपिक 2020 के आयोजनकर्ताओं ने एक ट्वीट के सहारे एथलीट्स को याद दिलाया है कि ये ओलंपिक पदक को दांतों तले दबाना ठीक फैसला नहीं होगा। इस ट्वीट में ये कहा गया है कि ओलंपिक पदक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मसलन की रिसाइकलिंग हुए स्मार्टफोन से बनाए गए हैं। बता दें कि इनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जापान के लोगों ने ओलंपिक्स के लिए डोनेट किया था। इस ट्वीट में आगे फनी अंदाज में यह भी लिखा है कि यही कारण है कि आपको इन मेडल्स को दांतों से नहीं काटना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि आप फिर भी ऐसा करेंगे। गौरतलब है कि टोक्यो 2020 मेडल प्रोजेक्ट नाम का ये प्रोजेक्ट जापान में 2 सालों तक चला था और इस रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के सहारे इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इकट्ठा किया गया जिससे 5,000 स्वर्ण रजत और कांस्य पदक को टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जा चुका है। इस कैंपेन में 80 टन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इकट्ठा किया गया जिसमें से ज्यादातर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और बाकी चीजें थी। लेकिन क्या अब भी खिलाड़ी अपने मेडल को दांतों से चबाएंगे या नहीं, ये बात पूरी तरह से सामने निकल कर नहीं आई है।